हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम डबल शेड लेकर आई शेडो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज उसके लिए मैं अप्लाई करने वाले मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन की ही किट ली है, जिसमें से मैं दो शेड को लाइट और डार्क कलर को मिक्स करके आपको बताने वाली हूँ। जिसमें से ये दो कलर मैंने चूज़ किए हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। आप चाहो तो 2/3 1/3 का रेशो भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे 1/3 2/3 का रेशो भी यूज़ कर सकते हो। ब्लू का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैं आपको ग्रीन का कर रही हूँ। इसके साथ एक शिमर शेड भी है जो ग्रीन का ही एक ऑल्टरनेटिव है, तो हम तीनों शेड को भी यूज कर सकते हैं। 1/1 का भी रेशो रख सकते हैं, तो तीनों शेड्स को भी इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे थ्योरी के वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि 1/3 2/3 रेशो क्या होता है, 2/3 1/3 क्या होता है, 1+1+1/3 रेशो क्या होता है। हम इन तीनों तरीकों से आई शेडो का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी हम तीनों शेड ही यूज़ करके देखते हैं। ग्रीन फैमिली के मैंने तीनों शेड्स लिए हैं, जिसमें से जो लाइट शेड होता है वो हमेशा ही इनर कॉर्नर पे होता है। और ये बात भी मैंने आपको कई बार बताई हुई है, हमेशा याद रखिए, जब भी आइज़ के इनर कॉर्नर पे आपको वर्क करना होता है हमेशा लाइट शेड ही चूज़ करें, क्योंकि हम अपने आंखों के इनर हिस्से को हमेशा ब्राइटनेस दिखाते हैं, ब्राइट रखना चाहते हैं ताकि वहाँ पे ब्राइटनेस रहे फेस के सेंटर पॉइंट पे। और वो ब्राइटनेस कैसे आती है, लाइट कलर यूज़ करने से। और जो आउटर एरिया होता है हमारे फेस का या आइज़ का, तो उसको हम थोड़ा सा शेडो में दिखाते हैं, डार्कनेस में दिखाते हैं, ताकि आंखों में एक डेफिनेशन आ सके, आंखें डिफाइन हो सके। तो मैं लाइट ग्रीन कलर के शेड को मैं आंखों के सेंटर पार्ट से और इनर कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ। हम इसको 2/3 साइड पे यूज़ करेंगे, 2/3 रेशो रखेंगे। तो इनर कॉर्नर से लेकर मिड, जो हमारा होता है, तीन पार्ट होते हैं आईज़ के मेकअप करने के, इनर कॉर्नर, मिड और आउटर कॉर्नर, सेंटर भी बोलते हैं उसको, इनर कॉर्नर, सेंटर एरिया और आउटर कॉर्नर। तो हम इनर कॉर्नर और सेंटर को लाइट कलर से कवर करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके हमेशा कलर लेना है। अगर आपको ज़्यादा कलर एक बार में लोगे तो वो आपके फॉल आउट्स में दिखने लगेगा, इसलिए हमेशा ही थोड़ा थोड़ा करके अपने ब्रश में कलर लीजिए और एक्सेस को हमेशा टैप टैप कर दीजिए, हटा दीजिए, ताकि एक्सेस पाउडर होता है जो आई शेडो, एक तरह से पाउडर ही होता है कॉम्पैक्ट, वो आपके बेस को ख़राब ना करे, फॉल आउट्स आपके फेस के ऊपर ना आए। अगर आपको इस कलर में इंटेंसिटी चाहिए हो, किसी भी शेड में, चाहे आप लाइट कलर यूज़ करो या डार्क, हमेशा जब उसको थोड़ा सा इंटेंस दिखाना हो, क्योंकि ये देखो मैंने एक बार जब लगाया था, फर्स्ट लेयर लगाई मैंने ग्रीन कलर की, तो इतना पता नहीं चला। तो आपको दोबारा से वही कलर लेना है, लेकिन थोड़ा ही लेना है और दोबारा से उसको लगाना है, तो फिर से एप्लीकेशन करनी है ताकि थोड़ा सा इंटेंस लगे। अब जो डार्क ग्रीन कलर है उसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, 1/3 हिस्से पे। उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और आपको उतने ही एरिया पे लगाना है उसको, जितना आपने एरिया डिफाइन किया हुआ है उसको आपको ज़्यादा सेंटर तक नहीं लेकर आना है। मैं उसको बिल्कुल ही आउटर कॉर्नर से लेकर उस लाइन तक जहाँ पे 1/3 हिस्सा ख़त्म हो रहा है और शुरू हो रहा है, उतने हिस्से पे ही लगा रही हूँ। इस तरह से आपने पहले दोनों साइड्स पे, दोनों आइज़ के आउटर कॉर्नर को लगा लेना है। डार्क ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे भी लिया है, एक राउंड सा सर्कल बनाता हो आईज़ का। इसमें मैं जो आई शेडो है उसको विंग की शेप ना देते हुए राउंड करके ही लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हम नॉर्मल आई शेडो की एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिससे आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे। जब किसी की आंखें छोटी होती हैं, वैसे मोटी होती हैं लेकिन छोटी होती हैं, उनको लंबा दिखाने के लिए हम आई शेडो को भी विंग की शेप में लगा सकते हैं। अभी अगर सपोज हमारी आंखें पहले से ही बड़ी हैं, तो उसको हम थोड़ा सा राउंड राउंड करके लगाएंगे, और उससे आंखें, हमारी आंखें अगर छोटी हैं तो हम उसको थोड़ा सा राउंड करके लगाएंगे ताकि वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे। अब जो भी सेंटर में आप देख रहे होगे थोड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है, तो उसको हमें ब्लेंड करना है, लेकिन हमने अपना ब्रश उसी लाइन के ऊपर रख के ही उसको ब्लेंड करना होता है। आपका ब्रश ज़्यादा ना लेफ्ट में आए ना ज़्यादा राइट में जाए, जिस लाइन को आपको डिफ्यूज़ करना है, ब्लेंड करना है, मर्ज करना है, उसके ऊपर ही ब्रश रख के, चाहे ब्लैंक ब्रश रख दीजिए बिना कलर के, चाहे थोड़ा सा आई शेडो का शेड लेके लाइट कलर का उसको ब्लेंड करना शुरू कर दीजिए। आउटर कॉर्नर को अगर आपको थोड़ा सा और इंटेंस दिखाना है तो उसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं, और ज़्यादा कलर लगा के उसको थोड़ा सा और इंटेंस कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रहे, आपको जब भी उसकी लाइंस को, हार्ड लाइन को, हार्श एजेस को डिफ्यूज़ करना है, तो हमेशा क्लीन ब्रश लेकर ही कीजिए। ऑलरेडी जो आपने ब्रश यूज़ किया हुआ, जिसमें डार्क कलर हो या लाइट कलर हो, उसी कलर से दोबारा से हार्श लाइन को डिफ्यूज़ ना कीजिए, क्योंकि उस ब्रश के जो ऑलरेडी उसमें जो कलर होगा वो आपके आई शेडो के ऊपर लग सकता है। तो एक क्लीन ब्रश ले लीजिए,
जो आपको पहले से नॉर्मल कलर का हो तो उसी से डिफ्यूज़ कीजिए। अब मैंने एक लाइट ब्राउन कलर जो पैलेट में सेकंड नंबर पे है उसी में क्रीज लाइन को बना रही हूँ, क्योंकि पहले ही हम ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर चुके हुए हैं, तो हमेशा ही क्रीज लाइन पे मैंने बताया हुआ कि लाइट कलर ही रखने चाहिए, चाहे आई शेडो हम कोई से भी कलर का करें। तो इसमें मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर की आई शेडो को लेकर आपकी क्रीज लाइन को बना रही हूँ। इसको आप दोनों आईज पे कर लीजिए। क्रीज लाइन आप आई शेडो लगाने से पहले भी बना सकते हैं, कुछ लोग बाद में भी बना लेते हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। अगर आप पहले बनाते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर आप बाद में बनाते हो, पहले बनाने का ये फ़ायदा रहता है कि उस टाइम अगर आपकी आई शेडो नहीं लगा हुआ होता है तो आपकी क्रीज लाइन अच्छे से सेट हो जाती है। अब जैसे मैं बाद में बना रही हूँ तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप क्रीज लाइन बना रहे हो वो ग्रीन डार्क कलर और लाइट कलर के साथ मिक्स हो के डार्क कलर लाइट पे ना आए और लाइट कलर डार्क पे ना आए। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि क्रीज लाइन पहले ही बना ली जाए। आप भी अगर बिगनर हो तो पहले ही बनाइए, मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है इसीलिए मैं बहुत ध्यान से लगा रही हूँ ताकि डार्क कलर ग्रीन पे नहीं आ रहा और ग्रीन कलर डार्क पे नहीं जा रहा। लेकिन क्रीज लाइन कोशिश कीजिए आप पहले ही बना लीजिए। जब क्रीज लाइन हमारा बन जाता है तो हमारा कोई भी आई शेडो का कलर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है या लेफ्ट राइट चला गया है या थोड़ा सा हट गया है उसको आप दोबारा से सेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं लगाने जा रही हूँ शिमर, जो कि हमारे आता है हमेशा ही सेंटर पार्ट पे। मैक्सिमम जितने भी हमारे शिमर्स होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, वो हमारे आईलिड के मिड एरिया में ही लगते हैं, सेंटर पार्ट में ही लगते हैं। तो इससे आपका बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आपकी जो आईज़ की हमने 1/3 या 2/3 का रेशो रखा है या 1/1 ही रखा हुआ है तो जो सेंटर की हार्श लाइन होती है, हार्ड लाइंस होती हैं, वो भी छुप जाती हैं और शिमर या ग्लिटर के नीचे छुप जाती हैं, दब जाती हैं। बाद में उसको एक क्लीन ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है तो ऐसा फील होता है कि दो शेड नीचे हैं और उसके ऊपर शिमर लगा हुआ है, उस कलर को थोड़ा सा और इंटेंस और शाइनी बना रहा है और बाकी कलर को थोड़ा सा डिफ्यूज़ और फेड आउट भी कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं अच्छे लगते और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं अच्छे लगते, तो जो शिमर इफेक्ट होता है वो उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर देता है। ये देखिए बिल्कुल जो सेंटर में लाइंस आ रही थी थोड़ी सी तो वो अपने आप ही इसके साथ डिफ्यूज़ हो गई। अब ये जो हमने शिमर लगाया है इसको भी मैं क्लीन ब्रश के साथ, हल्के से क्लीन ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करूँगी ताकि लेफ्ट से भी वो ब्लेंडेड रखे लगे डार्क कलर के साथ और राइट से भी वो ब्लेंडेड लगे नॉर्मल कलर के साथ। तो इसको आपको थोड़ा सा जितना भी शिमर हमने लगाते हैं उसको डार्क कलर के साथ जब लाइट कलर मिक्स होता है तो उसमें हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट ब्रश घुमाते हुए हल्का सा उतने ही हिस्से पे उसको फेड आउट कर दिया जाता है। तो आप भी उसको अच्छे से ब्लेंड करते रहिए जब तक हो नहीं जाए, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारी गर्ल्स ये मिस्टेक करते हैं कि क्लीन ब्रश लेती हैं या ऑलरेडी जिसमें कलर होता है वही ब्रश लेते हैं, उसको उसके ऊपर आंखों के ऊपर पूरा फेर देते हैं, स्वाइप कर देती हैं, उससे आपका डार्क कलर लेफ्ट पे राइट लाइट कलर पे आ जाएगा और लाइट कलर आपका डार्क पे चला जाएगा, सारे कलर मिक्स हो जाएंगे। हमें किसी कलर को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ उनके एंड्स को जहाँ से हमें उनको ब्लेंड करना है उसी हिस्से पे ब्रश रख के उसको थोड़ा सा हल्का सा हमें आप तरीका देख लो, हल्का सा हमें उसको घुमा के या उसको प्रेस करके हल्का सा उसको ब्लेंड करना होता है। ब्लेंडिंग इज़ द की। अब हमारा फाइनल पार्ट आ गया है लाइनर लगाने का, क्योंकि कोई भी आई शेडो लाइनर के बिना अच्छा नहीं लगता। लाइनर हो, मस्कारा हो, आई लैशेज हो, उसी के साथ हमारी जो आई लुक है वो तैयार होती है। यहाँ पे मैंने पेन लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे डमी के ऊपर बहुत इजीली आई लाइनर लग जाता है। तो यहाँ पे आप इसको विंग आई लाइनर लगा सकते हो, क्लोज आई लाइनर लगा सकते हो, किसी भी तरह का आई शेडो की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लाइनर आप उस पर किसी भी तरह का लगा सकते हो, हर तरह के लाइनर आईज पे अच्छे लगते हैं। मैं सिंपल बेसिक क्लोज टाइट आईलाइनर ही लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा विंग मैंने बनाया है साइड पे, क्योंकि आईलैशेस जब हम लगाते हैं तो थोड़ी सी विंग के साथ वो अच्छा लगता है। आईलाइनर आप अपनी पसंद से लगा सकते हो, ऐसे आई मेकअप के साथ आपको स्मज प्रूफ, स्मज फ्री भी आप लाइनर लगा सकते हो जो जेल आईलाइनर से लगते हैं। काजल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो, पेन भी, पेंसिल भी, किसी भी तरह का, दैट्स टोटली योर चॉइस। आप किस तरह की लुक चाहते हो वैसा आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। द मेन मुद्दा इज आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसको लगाना कैसे है, टेक्निक कैसी है उसकी। ये देखिए हमने अपना लाइनर लगा लिया, अब हम इस पर आई लैशेज लगा लेते हैं जिससे हमारी लुक कम्प्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा।
अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप भी फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और औरों को भी ज़रूरत हो मेकअप सीखने की तो उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेती आती रहूँगी। हमारे चैनल पर हर वीडियो को हम वेडनेसडे को सैटरडे को अपलोड करते हैं, नई नई लुक के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम डमी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आई शेडो कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैं बिगिनर्स को सिखा रही हूँ। जब थोड़ा सा हम एडवांस मेकअप की तरफ आएंगे तो हम रियल स्किन के ऊपर भी मेकअप करके मैं आपको दिखाऊंगी अपने स्किन पे भी, ना मॉडल्स की स्किन के ऊपर भी, कि मेकअप कैसे होता है। कुछ अच्छी ब्राइडल लुक्स भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, पार्टी मेकअप्स भी होंगे, स्मोकी मेकअप होंगे, जस्ट आई शेडो प्रैक्टिस भी मैं आपको बहुत सारी सिखाऊंगी, और बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स भी और हैक्स भी आपको बताती रहूंगी जो सेलिब्रिटी भी यूज़ करती है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वंस मोर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक इट। थैंक यू।